Assalamu alaikum everyone, I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel Kashmiri Students. So guys, इस वीडियो में हम important sessions of Indian National Congress discuss करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा important बनता है सारी exams के लिए, चाहे वो JKSSB का exam हो, चाहे वो SSC का exam हो, चाहे वो SSC GD का exam हो, SSC MTS का exam हो, या SSC CISF CHSL या DRDO का exam हो, या UPSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, NDA का एग्ज़ाम हो, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये वाला टॉपिक हमने चूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस, और उस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है वो डिस्कस करेंगे, और जो फजूल की बातें हैं वो हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मड इन 1885 बाई A.O. ह्यूम एट संस्कृत कॉलेज बॉम्बे विथ 72 मेंबर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई, तो 1885 में फॉर्म हुई बाई A.O. ह्यूम एट संस्कृत कॉलेज विथ 72 डेलीगेट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 72 मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, जब ये फॉर्म हुई। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब जो सेशन हो, ईयरली सेशन, वो देखेंगे किस ईयर में कहाँ पे ये हुआ, हेल्ड हुआ ये सेशन, और प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, और रिमार्क्स रिलेटेड दैट सेशन। तो चलते हैं सबसे पहले 1885 जो पहला सेशन था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे प्लेस कौन सी थी, बॉम्बे। बॉम्बे में हेल्ड हुआ 1885 वाला जो सेशन था वो बॉम्बे में हेल्ड हुआ, और उस जिसके प्रेसिडेंट WC बैनर्जी थे, मतलब कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज WC बैनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं 1886 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेजिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बनता है कि हु इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ दादा भाई नेहरू जी, जिसने थ्योरी दी जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1887 वाला जो सेशन था वो मद्रास में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट श्री बद्रुद्दीन तैयब जी थे, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो जिसका आंसर है श्री बद्रुद्दीन तैयब जी, जो सेशन मद्रास में हेल्ड हुआ उसमें वो प्रेजिडेंट रहे हैं 1887 वाला। उसके बाद 1888 वाला जो सेशन है वो अलाहाबाद में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट सर जॉर्ज यूली थे, जो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, के जिसका आंसर सर जॉर्ज यूली है, ठीक है, जो कि अलाहाबाद में हेल्ड हुआ 1888 में। उसके बाद हम देखेंगे 1896 वाला जो सेशन है कलकत्ता में जो हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट सर श्री आर एम सयानी थे। इस सेशन में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल सॉन्ग या नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग किया गया, या वहाँ पे 65 सेकंड्स के लिए इंडियन नेशनल सॉन्ग यहाँ पे प्ले किया गया, वंदे मातरम। आप सबको पता होगा इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है 65 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सॉन्ग वाज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। सॉन्ग वाज रिटन बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी इन 1874। तो ये बंकिम चंद्रा चटर्जी ने ये सॉन्ग लिखा था, इंडियन नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया 1874 में, अपनी एक नावल में जिसे हम आनंद मास कहा जाता है, उसी से फिर निकाला गया वंदे मातरम जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। तो 1907 वाला जो सेशन है वो सूरत में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे रस बिहारी घोष। तो 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ था, ठीक है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। फिर लीडर ऑफ मॉडरेट्स गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, और लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स बाल गंगाधर तिलक बने थे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट, 1911 वाला जो सेशन है वो कलकत्ता में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित BN दास। तो इस सेशन में नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम गाया गया, ठीक है, इस सेशन में 1911 वाला जो सेशन है इसमें नेशनल एंथम वाज फर्स्ट टाइम संग, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा और देखते हैं, जिसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को, जाना गाना माना, ठीक है। उसके बाद इसका प्लेइंग टाइम 52 सेकेंड, ठीक है,
तो जन गण मन को हम मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसका टाइटल भारत विधाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। 1906 वाला जो सेशन है ये हमारा मिस हुआ था ऊपर। 1906 वाला जो सेशन है वो कलकत्ता में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट दादाभाई नेहरू जी थे। तो जो स्वराज वर्ड था, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, द वर्ड स्वराज वाज मेंशनड फर्स्ट टाइम इन 1906 सेशन, जिसके प्रेसिडेंट दादाभाई नेहरू जी थे। इसके बाद 1915 वाला जो सेशन है वो बॉम्बे में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा फर्स्ट पर्सन हु क्लियर आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, उसके बाद 1916 वाला जो सेशन है वो लखनऊ में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट ए सी मजूमदार है। तो 1916 में जो रियूनियन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस इन 1916, जो कि 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हुआ था, फिर रियूनियन इनका 1906 में हुआ। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था इसी सेशन में, 1916 वाले सेशन में, जिसमें लीग मुस्लिम लीग ने भी पार्ट लिया था इस सेशन में। ठीक है, 1917 वाला जो सेशन है जो कलकत्ता में हेल्ड हुआ, जिसके प्रेसिडेंट एनी बसंत थे, जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा है तो करेक्शन खुद ही कर देना। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1917 में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बसंत ने यहाँ पे हेड किया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 वाले सेशन को चलते नेक्स्ट पे। 1919 वाला जो सेशन है वो अमृतसर में हेल्ड हुआ, इसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे। इस सेशन में स्ट्रांगली कंडम किया था जलियाना वाला बाग मैसेकर को, और बूस्ट किया गया था अब खिलाफत मोमेंट को। तो 1919 तक हमने जो भी जितने भी सेशन हुए वो कंप्लीट किए, और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिलेटेड वो भी हमने कंप्लीट किए। इसके बाद 1919 से लेकर जितने भी सेशन हुए हैं आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, 1948 तक जितने भी सेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में सारा हम क्लियर कर देते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आपको भी थोड़ी मुश्किल हो जाती वीडियो देखने में। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।